इसी एनआर के साथ हम सब आपको विश करते हैं हैप्पी दिवाली। हर साल की तरह इस साल की दिवाली की शुरुआत होती है पटाखे और मिठाई की शॉपिंग के साथ, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है मुझे और मेरे भाई विजय को। लेकिन आज हम इसके बारे में बात नहीं करने वाले, क्योंकि आज के इस ब्लॉग में हम आपको दिखाएंगे कि दिवाली की शाम को कैसे मैंने और मेरी फैमिली ने दिवाली को एंजॉय किया। तो चलिए देखते हैं। अबे बोलने तो दे मुझे। गुड इवनिंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक नए ब्लॉग में। और आज है दिवाली का दिन, और दिवाली का दिन ना थोड़ा सा क्योस भरा है। क्यों? क्योंकि आप ये देख रहे हो मेरे बेड पे किनका कब्जा हो रखा है। ये मेरे कजन्स हैं, मेरे सारे सिब्लिंग्स हैं। बेसिकली सिब्लिंग्स का नाम लिया, एक तीसरा नमूना भी आके बैठ गया, और यहाँ पे सभी तैयार हो रहे हैं फिलहाल। एक भी मेरे को नहीं लग रहा कि आज मेरा एक भी डायलॉग कोई मुझे कम्प्लीट करने देगा। इनको बोल रहा हूँ फाउंडेशन चेहरे से बढ़िया दांतों पे लगाओ, दांत पीले पड़े हुए क्यों? गजब बेइज्जती। सही कह रही, सही कह रही। सुनो राज, खोलो, मेरे पति ने फाउंडेशन लगाया है आज। ये मैं कट कर दूंगा, गलत बात है। विशाखा सोच रही है 3 बार मुंह धो लेगी, साफ हो जाएगा मुंह। विजय, लड़कियों की सजावट पे 2 शब्द कहेंगे आप, इनकी खूबसूरती भी। दीदी ने ब्लश लगाया पर उसको ब्लेंड नहीं किया, ऐसा लग रहा किसी ने थप्पड़ मार दिया हो गाल। क्या कहना चाह रही हो मम्मी, बताओ? जय की तबीयत आज ही खराब होने थी, डैडी की भी तबीयत थोड़ा सा डाउन है। थोड़ा धीरे धीरे बोलो मम्मी, आपकी लिपस्टिक ना पहुंच जाए कहीं। ये रहा हमारा मंदिर जिसको डैडी ने बहुत ही प्यार से सजाया हुआ है। मैंने सजाया है। अच्छा, मम्मी ने सजाया? क्यों, डैडी का नाम ले लिया तो मिर्ची लग गई है? क्यों नहीं लगेगी, ये देखो ये हमारा प्यारा मंदिर। सबसे ब्यूटीफुल हमारा कीटो लग रहा है। कीटो सबसे ब्यूटीफुल है बेबी। गिल्टी ऑफ स्टीलिंग हार्ट्स, ओह माय गॉड। तुम सब चाहे कितने भी तैयारी कर लो, चाहे कुछ भी लगा लो अपने चेहरे पे, कीटो से सुंदर कोई नहीं हो सकता। क्यों कीटो? आज के दिन पटाखे फोड़ने से पहले जो सबसे पहली चीज होती है वो होती है पूजा। पूजा आज हम किसके करते हैं? आज हम पूजा करते हैं धनलक्ष्मी की। सबसे पहले ना अभी मेरा और आशु का टर्न है पूजा करने का, क्योंकि बाकी सब कुछ तैयार ही नहीं। मैं कर चुका हूँ, सबसे पहले मैं कर चुका हूँ। आप एक बात ही कर चुके हैं, मैंने बाबा जी का रिवाज पूरा किया, मैंने पहले निकल के गई है, दोबारा रूम में घुसी है, फिर दोबारा रूम से निकल रही है। मुझे बोली दोबारा शॉट ले लेना। मैडम की एंट्री अच्छी नहीं आई थी। हाय विशाखा एलिफेंट फार्ट। बाहर अभी कोई निकल के नहीं आया तो सबने डिसाइड किया कि क्यों ना तब तक हम लोग अपना क्या निपटा ले, डिनर निपटा लेना। तो वो खाने में अब लगे हुए हैं, और आज बना गया है, पूड़ी बनी है, सब्जी बनी है। सभी को बहुत तेज भूख लगी हुई थी, और कोई अभी बाहर पटाखे फोड़ने आया नहीं था, पूजा हो चुकी थी। तो सबने डिसाइड किया कि क्यों ना पहले खाना खा लें, उसके बाद जाके आराम से पटाखे फोड़ेंगे। आज के दिन है दिवाली, और हम सब मैं मेरी फैमिली हम सभी मिलके क्या करने वाले, दिवाली सेलिब्रेट। और आज के दिन लाया मैं ढेर सारे पटाखे। अब ये देखना है कि कौन क्या फोड़ने वाला है, क्योंकि सारे के सारे पटाखे थोड़े से अतरंगी भी है ना, वो भी तो देखना है। रुक जाओ ना, लड़के हो रहे, ये बताओ लड़के किस ले रहे हो, ये बताओ क्या फोड़ना है? चलो एक काम करते हैं, इस बार ना मैं पटाखे बहुत डिफरेंट लाया हूँ, मुझे पता है कि तुम सब लोग लड़ोगे ही लड़ोगे। तो एक नया काम करते हैं, दैट इज चिट निकालते हैं। नया तू एक काम कर, तू फटाफट सबके लिए चिट बना। हर इंसान 2 चिट निकालेगा, इसके हिस्से में जो पटाखा आएगा वो फोड़ेगा, लेकिन कंडीशन पता है क्या? सबके सामने। और कुछ पटाखे ऐसे हैं जिसको फोड़ने में बड़ा मजा आएगा। मम्मी एक बात बताऊं, ये एक्चुअल में आशु ने सही बोला कि ये जो फुलझड़ी है इसका साइज आपसे भी बड़ा है। देखते हैं किसके हिस्से में क्या आता है। नया तू लेके आ गई? हां मैं ले आई सारी चिट साथ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अरे रुक जा, रुक जा, रुक जा, रुक जा। मैं बता रहा हूँ करना क्या है। करना ये है कि हर इंसान के पास ये बाउल आएगा, उसको इसमें से 2 पर्चियां उठानी है,
उन पर्चियों पे जो भी पटाखे का नाम होगा वो पटाखा वो पर्टिकुलर पर्सन चलाएगा। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं विजय से। क्या लिखा विजय? कौन कौन सा है विजय? दोनों लड़ियां। क्या बात कर रहा है, दोनों लड़ियां तेरे पे आ गई। चलो अगला। आज बताओ छोटी सबसे छोटी। कौन सी? उसमें लिखा है सबसे छोटी फुलझड़ी। सबके रूमों में जाके रात भर जलाने वाली हुई। सही है सही है। तो कीटो बोल रहा है कि मेरे को चाहिए, मेरे को दो सौ। कीटो बोल रहा है मेरे को भी पर्ची थी भाई। इस लड़के ने मेरी बीवी मार दी, उसको भी पटाखे चाहिए। वो देखो मान ही नहीं रहा। कीटो बोल रहा है मेरा पटाखा है, मेरे को भी चलाना है, मेरे को भी चलाना है। देखो भाई कीटो से भी पर्ची निकलवाओ। अगली बारी है दीदी, आप उठाओ जल्दी से। दो पर्ची उठा ली। अब किसकी बारी है? विशाखा आप तेरी बारी। चल जोर से पूछा लो। बोल कौन कौन से? दो मसाला। क्या बात है, है। वो तो चलाने में पता चलेगा। हाँ तो भाई दूसरा कौन सा है? A few moments later. अब बारी है हमारी हैवी ड्राइवर नेहा की, जो हमेशा बड़े बड़े पटाखे फोड़ती थी। क्या क्या ये वो वाला ड्रोन नहीं है, ये वाला ड्रोन है, ड्रोन पटाखा। और दूसरा कौन सा है? क्या निकला है? क्या 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 क्या? अब बारी है मेरी है, मैं निकालने वाला हूँ अपने लिए दो पर्चियाँ। देखिए मेरे हिस्से में कौन से पटाखे आते हैं। सारे इंटरेस्टिंग पटाखे चले गए। मुझे जिस चीज का डर था जो दो पटाखे मुझे लग रहा था जो मैं ये भैया को मिलेगी। क्या बात है, और नमस्ते कर रहे हैं, नमस्ते कर रहे हैं उसे। हेलो हाय, हैप्पी दिवाली। हाय भैया, हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली आपको भी। सबसे पहले विजय चला रहा है। विजय तू कौन सी चला रहा है पहले ये बता। हजार लड़की का फुल सेट है, फीलिंग मान के चलो। नहीं एक पेपर लेके ऐसे ट्रांसफर करते रहो कि मैं ही चले जाऊंगा। आज से मेरे को बोल रहा है मैं लेकर आऊंगा। विजय मैं लेके आ रहा हूं, मैं लेके आ रहा हूं। विजय की बारी तक तो सब कुछ सही था, लेकिन उसके बाद हर कोई रैंडमली पटाखे उठा के फोड़ने लग गया। और उसके बाद किसी ने कोई ट्रैक नहीं रखा कि किसको कौन सा पटाखा फोड़ना। बड़ी मुश्किल से इन लोगों को टेरेस पे लेके आया हूँ ताकि हमारे जो लैंटर्न्स हम लोग लेके आए हैं उनको लाइट अप करें, क्योंकि वो तो एक रिवाज बन गया ना। पिछले तीन बार से हम लोग कर रहे हैं, हम लैंटर्न्स लेके आते हैं, उन्हें फायर करते हैं और फिर यहाँ चलाते हैं। ऐसा
किसका था ये, किसका था ये? क्रैश लैंड करा दिया तुमने। सारे पटाखे हम लोगों ने उड़ा लिए, इवन हमने अपना जो ग्रीन लैंडर बोल रहा हूँ, स्काई लैंडर जो थे वो भी हम यूज कर चुके हैं। अब एकमात्र चीज रह गई है, एक हमारा वहाँ कॉर्नर पे अभी भी जा रहा है, अब एकमात्र चीज रह गई है वो है रॉकेट्स। विजय ये तो वो देखो, वाह क्या बात है विजय, क्या बात है। सारे पटाखे हमारे फूट चुके हैं, हमारा एकमात्र अनार रह गया जिसके साथ मैं इस वीडियो को एंड करूंगा। कुछ ऐसी चीजें भी है ना जो बिहाइंड द कैमराज हम लोग चलाना चाहते हैं, जिनमें से हमारे मिनी ड्रोन रॉकेट। ये कहीं भी जा सकता है भाई, उड़ा उड़ा बोल रहा जा रहा पूछ रहा पूछ रहा ऊपर उधर। अरे लिटिल सांप एक्सपर्ट विजय, थोड़ा एडवाइस दीजिए कि सांप कैसे चलाए जाते हैं। चार पांच चीजें निकालनी चाहिए आपको, यू वांट वेरी हाई टेंपरेचर, ओके ओके, यू डोंट वांट एनी यू नो मिस फायर। तो बड़ा सांप भी तो बनाना है, सांप बड़ा बनाना है तो उसके लिए ऑलरेडी हमने टीम रख दिया है। अगर इसमें सांप ना हाथ लगाना बंद कर देंगे ओ भाई विजय यार सब बोला एक्सपर्ट यार, फिर तो ऐसा कौंडा बना दिया पूरा पूरा, सीधा स्माइल ऑन विजय फेस। Literally, you made an anaconda today, man. Come on! I'm going to kill it. Yes! I killed it! What do you want to say, Vishaka? I'll tell you. You'll become a brother. Vishaka, who is the one? I'll tell you. You're the one, right? What did you do? I'm going to kill you. No, Vishaka. भैया मेरे दो घंटे जाएंगे इसमें। अरे विजय थाम्बा, ये जो मेरे पीछे लड़का है ना वो मानने को ही राजी नहीं हो। देखो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो, अगर पसंद आई तो इसे लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी के साथ राणा परिवार की तरफ से मेरी पूरी ट्रैवलिंग माउंट्स फैमिली को बिलेटेड हैप्पी दिवाली।